भैया, तो इस चौथी कैसेट में आप यानी तीसरी चौथी में आप नल का विवाह सुन रहे हैं, पहला विवाह राजा नल का, और इससे पहले मंजा के बनवास की कहानी भी आप सुन चुके हैं। साथ साथ ध्यान दें कि राजा नल मढ़ी में जब पहुंचे गुमा सुरदानी के यहां पर, तो मोतनी का सिर जो छीके पर टका हुआ है, तो छीके पैसे मूड़ उतारो और सो मदरा से दो मिलाए और छड़ी बदल गई है राजा नल ने, तभी तो मैं जगी मोतनी नार, और चचा चचा कह के तेरत है और चाचा सुनो हमारी बात। जब चचा चचा कह के मोतनी टेने लाई, राजा नल कहन लगे अरे ने आखी खोल के तो देखो इसे ही चाय चाय कत्ती। हाँ चचा भरो तुम्हारे, हम तो परदेसी आई है परदेसी। ए भैया, इस प्रकार की जब बात राजा नल ने कही और जो मोतनी ने घूंघट खोलकर देखा तो चौंक गई कि एक है, आज कोई ऐसा परदेशी आ गया है मढ़ी के अंदर जिसने गजब ढाए हैं। ये परदेशी सुन लीजियो, अरे मेरी ध्यान देने की बात, अब हाल बता मैं तुमको दानी गड़ में और तुम्हें जियरा की बता मैं बात। देखो बात ऐसी है कि 12-12 कोस तक हमारे चाचा ने मानुष की तो कोई असल नहीं है, चिड़िया चुरगुरी ना राखी हो दारी जार, तुम कहां से आई है? अरे कहा हमारो चचा ना मिलो, तुम्हें कहूं चुपचाप लौट जाओ मेरी मढ़ी से बरनागर से, मेरे चाचा ने देख लिया और कहीं आ गया वो, चूंकि दानी है तो तुमको चना किसी पटवारी पट्टे का डरे दारी जार, कहां से चुप्पा चलो जा। जब ऐसी बात कही मोतनी ने तो राजा नल कान लगे तेरे चचा से मुलाकात हो जाए तो हम सारे को कंदन को बैठे आए सो लौट दे, सारे तोप को बंदल ऐसे उठेर के फेंक दे। ऐसी बात कही राजा नल ने तो उन्हें सुनाओ सुनाओ तुम अपने चचा की बड़ा तारीफ करते, उन्हें हाँ सुन ले मेरे चाचा की तारीफ है परदेसी, सुनो मैं अपने चाचा की तुमको तारीफ बतलाती हूँ, सुनो क्या तारीफ है। अरे रात मैं छीका तहीरे सोई। ए भैया बहुत आराम आराम ध्यान में, आप बड़ी सुंदर सी बातें हैं राजा नल के विवाह में। रात मैं छीका तहीरे सोई, जान तूने ना तुम्हें खोई, और यहाँ मेरे बाबू लकी है दोही, बस है ना टापू मैं कोई, बजे मेरे बाबुल को डंका, करे बो हाथिन के फंका। ये परदेसी बबुल की एक बोझ दाढ़ी, रूम बापे पटेल सी है ठाली, चले जाओ मोरी की रास्ता। मैं दरवाजे को छोड़कर ये मोरी लगी हुई है, साइड से बैठ साइड से निकल जाओ, अगर से मेरा चाचा सामने से आ गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा, इसलिए ऐसा करो चले जाओ मोरी की रास्ता। सो मोरी की रास्ता जाओ विदेशी, और मान कही मेरी जाओ रे, काहे मुरहा तुमने बादर फारे, काहे मुरहा तुमने बादर फारे, काहे मुरहा तुमने बादर फारे। हे मोतरी, अरे तूने तो अपने चाचा की तारीफ सुनाई दी लेकिन सुन ले, अरे अब जरा मेरी भी तो सुन ले। तो राजा नल कहने लगे अरे मोरी की रास्ता बहु जाए ठगनी जो मोरी को जाओ रे, आओ सिगरी झाड़ी ढूंढ फिरे मैदानी एक न पाओ रे, देख ले जाओ खाल हो पहनो। ये तलवार में मेरी बहुत धार है। देख ले जाओ खाल हो है पहनो, शीश तेरे बाबुल को है लेनो, भेंट मोय चंडी की है देनो। तो सांची देव बताए ससुर की कित गए पिता तुम्हारे, हम ही मुरहा हमने बादर फारे, हम ही मुरहा हमने बादर फारे, हम ही मुरहा हमने बादर फारे, हम ही मुरहा हमने बादर फारे। हे मोत्री देख ले जो खानो
पहनो और सिस्तरे बाबुल को लेनो भेड़ मोचंडी की देनो। सो सांची देव बताए ससुर की कित गए पिता तुम्हारे और हम ही मुरहा हमने बादर फारे। हे मोतनी एक बात और सुन ले, तेरा चाचा जब इतना बलवान है ताकतवर है, अगर तेरे चाचा से मुकाबला हो जाए लड़ाई हो जाए तो पहले नंबर हमको तीन पेंच ऐसे तीन दांव याद है कि पहले हम अगर चील पेंच मारे तो सारे करोड़ियाव डाल ले, और फिर बाद में हम डाले त्रिफला पेंच और गदर फाड़ पेंच। पहले मारे चील पेंच, फिर मारे गदर फाड़, फिर त्रिफला पेंच डायरेक्ट और मार डाले सारे दानी को। और सुन ले एक बात और बताए रहे, तेरे चाचा से अगर मुलाकात हो जाए तो अरे हड्डी काट के हम डंडी बना ले, अरे नसनु की ज्योति डारे रे। ए मोतनी प्रकाश भैया सुनो, बड़ी प्यारी बात है। हाँ भरत भैया, हड्डी काटे डंडी बनावे और नसनु की ज्योति डारे रे, खाल निकारे पला बनाए ले, मूल को करे पसेरा रे। एते उपाय तकरार करे तो मैं खून की तौल लगाए दूंगो रे। ऐसे ऐसे कर्म कराऊ ना तेरे चच्चा के, उन्हें अच्छा तो जा बताओ। मोतरी सोच लगी जब तो कोई बड़ो जलैया मालूम पत्ते है वो, और जो कोई साधारण मनुष्य नहीं है ये, बाकी कोई जल्लाद आदम शरीर तो है पर कोई देवता मालूम पड़ता है। ऐसा तो ना है कि कहूं जिनके नाम से मैं पूजा कर रही हूँ राजन वही आ गए हूँ। ऐसा मन में विचार किया तो कहने लगी, नाम का बतैया विदेशी मौका ग्राम बतैया, परदेसी रे अपनो अटल भूमि को मौका बताए दे ओ नाम, कौन तो देश के विदेशी मेरे रहने वाले, माता रे पिता को मेरे गुयाम को नाम बताए दे। अरे मेरे जियारा मैं अब परत करा ली ना, नाम रे ग्राम को मोतनी मेरे कहा तुम करोगी। उन्हें कतई ना तुम्हारी समझ ना होगा ना बताया हो तो बहुत बुरी बात हो जाए, अब जल्दी से बताए दे मोह तो कुछ और मालूम पत्ते है वो। तो राजा मल किस प्रकार अपना नाम और ग्राम बतलाते हैं ध्यान दे आप। दक्षिण पुरना नसार हमारी नन्ना हमारे बनियारे, अरे नोना मिर्च की कमी ना है उनके लाखन बोरी धनियारे, लाखन बोरी है धनिया रे। दक्षिणपुर के बीच लगे नन्ना की ऊंची दुकानिया रे, दक्षिणपुर के बीच लगे नन्ना की रे ऊंची दुकानिया रे, अपने नन्ना को मैं हाँ लड़ाई तो ए भैया, अपने नन्ना को मैं हाँ लड़ाई तो मैं ले दई है तीर कमनिया रे। अरे हम तो अरे कलर का मोतनी कहिया तो है बनियार के, और हमारे मंझा मैया सी है सुन ले ओ नाम के। माँ का नाम तो बासमती है, मेरा नाम नल छत्रधारी रास का है, और वैसे लटेरा नाम लगुआ लगवार यार, गले को हार तेरी मरियम लग गए मोतनी हम। हाँ और कम हमारी बनियों की है, उन्हें अच्छा बनिए आओ, ढीली धोती पहनैया मसूर की दाल खवैया सो बनिए आओ तुम, अगर काओ से झगड़ा हो जाए तो दुकान में भी ईटे खेत पर सो बनिए आओ तुम। तीन बालियन माय के हम बनिए नाए मोतनी, अरे जो नोन मिर्च तो भेज के करे अपनी गुजरान, हम तो अगरवाल बनिए आई गए तेरी मरिया में। हम ऐसे बनिए हैं जो अगर लोहार की लोहारी में बैठ जाए तो वहां सुनाया सकत,
और सुन ले, ऐसी तो घरी में मोतिनी हम तो पैदा भए, अरे का शंका हम तो मोतिन कालौ की कतई है ना। ने बतलाई है तो मोतनी कहां लगी जाओ तो बड़ो जलैया मालूम पति कोई, और करना क्या चाहिए। मोतनी ने सोचा कि अगर ये राजा नल वही है तो मैं अब इनकी अजमाइश करूंगी, क्योंकि इधर भी मोतनी जो थी वो भी राजा नल के ही नाम से पूजन किया करती थी कि मुझको पति अगर मिले तो राजा नल ही मिले। मेरे प्यारे भाइयों, इधर मोतनी जो है उसके यहाँ एक ऐसा पलंग है कि जिस पलंग का पैतियाना सरियाना नहीं मालूम पड़ता है, उससे अजमाइश करेगी कि अगर मेरे पति होंगे तो सरियाने ही बैठेंगे, और अगर कोई छलिया होगा तो उस पैतियाने तो मैं भैया खाए जाऊंगी दाई जा रो कच्चो, अगर कोई छलिया लेकर हो बैठो ना तो पलिका पर मेरे हो तो तुम परदेसी, और हिल मिल के घर के जा मरिया मैं खेले पंता सार। आओ जब का पलिका देखो राजा नाला नए, कहीं मन मन सोचे आज इतमय राजा नल, आओ नायताओ सिरियानो पैतियानो मालूम होए तो कैसे बैठ जा पालिका पयाज। राजनल ने मन में विचार करके, और जब भगवान का माता शारदा अपनी माँ का ध्यान करके जब बैठे हैं तो सरयाने ही बैठे हैं, और जब सरयाने बैठे तो मोतनी ने समझ लिया कि वाकई मेरे ये पति हैं, तो अब राजनल से कहती है लाओ पांसे खेले, तो 15 गोटे जब निकाल के दी है मोतनी ने तो राजनल कहता है कि इसमें एक कम है कि गोटाई होती है 16, और 16 गोटे चलो नए होंगी तलो हम नए खिले। मोतनी कहने लगी हम आगे हैं तो 15 ही हैं, तुम मिलाए लो। तो राजनल ने एक गोट जब मिलाई तो मोतनी कहने लगी हो सब दिन के चोर तुम आज पकड़े गए, और जब गोटी तो हमारी है उन्हें तुम्हारी है। तो बात ऐसी है कि जब मैं नहाने को गई एक दिन तो तुम ही आए रहे समुद्र किनारे, उन्हें तेरी के समझ हम तो जा समझे जी चुरैलिया आई चुरैलिया तुम ही हुआ पर कई और का हमने तुम्हें देखो तो मानुष गंधी आई तो हम भाग छाड़ी भाई सब सहेली ही तो कही तुम्हारी समझे सोटो ले पाए की पाए जेब रियो है तुम्हारी। अब देखो जय गोट है हमारे दिन उन्हें अच्छा ये तुम्हारी समझे बाई दिना से सो मेरे जियरा में ठुकुर पुकुर होते है गोट का चुराई ली तुमने तो मेरे दिल दिल चुराए लो दिल। अच्छा बैठा करके तब आप दोनों जने पंसा सार खेलते हैं। इतने तारक 12 पारती 18 ताऊ नलकी हो रही है झाड़ा झाड़ जी। अरे आओ जब का जीत हुई गई राजा नलकी, आओ तब है मोतिनी बापोलन लागी, मैंने तुम्हारे नाम से पूजा करी है मंदिर में पूजे सालिग्राम। चलाओ मेरे प्यारे भाइयों, जब राजनल ने जीत लिया है मोतनी को तो मोतनी ने कहा कि आप ही मेरे पति हैं और आपके ही नाम से मैंने पूजन किया है, मेरी पूजन की पूजन से मनोकामना सफल हुई है प्रभु। अरे पति महाराज आप मुझको अपनी दुल्हन बना करके और यहाँ से ले चलो, नहीं तो गुमा सुरदानी आ जाएगा उसका मेरा कौल करार है कि 12 वर्ष तक पुत्री बनकर रहूंगी, 13 लगते ही शादी कर लेगा वो दानी मुझसे, तो आप ऐसा करो मुझे ले चलो। जब इस प्रकार की बात कहती है और किस प्रकार मना मना के खुशामद करती है मोतनी राजनल से, मैंने तुम्हारे पिछेला तुम्हारे कारण मैं 12 बरत रही इतवार, मैं धस गंगा मैं जो बह आई तो किस दिन मिले मेरे बलम भरतार। चलाओ क्या बात चोरी चोरा मेरे बलमा मोए ले चलाओ मेरे दुल्हा सा सुन के तुम छुबई जाओ पाए कपड़े। मैं
मतवारी मेरी भरी तो नवैया तिलक है जो बनूंगी आओ पलमा कोई है खिवैया नाय मेरी पकी है जमीरिया रसम है भरी गई पलमा कोई जाको तुरैया नाय तावलो खेली बच्चन में मेरे दुल्हा हो गुड़िया न को खेल अरे जवान भाई मत हुई गई बाबरी बलमा सुनो तुम हमारी बात ए मेरे प्यारे भाइयों मोतनी सुतरियो बहुत है अब ऐसी सुतरी है कि सुन ले हो जाके हार हमें लग दिया खगवारो चौकी को झम्फर रहो चिकनारो और सारिक चुन चुन पहनी फिर देखत की बहुत है सुतरी और भवे कमान कटीली बनी है कजरा के सुर न्यारे न्यारे ए ए भैया हाँ जा हार हमें लग दी खगवारो चौकी को झम्फर रहो चिकनारो और सारिक चुन चुन पहनी फिर देखत की बहुत है सुतरी और भवे कमान कटीली बनी है कजरा के सुर न्यारे न्यारे लली को नाई बनो सिंगार जन है धोए के हुई गई ठाड़ी ऊपर पहने मुर्गट साड़ी हाँ जरा दोबारा से फिर से रिपीट करें आप हाँ दोबारा से धोए के हुई गई ठाड़ी ऊपर पहने बिलाज साड़ी मुर्गट अंगिया जरद किनारी पटिया औसाचे में ढारी कला छा पारसी पहने छे छे मोती नौ नौ झमिया मुंह पर जाकी नाग सुवासी मुह बटुआ सो टूरिया भनी धन शंकर पारो पेट बनो धन को जयपुर की थारी जाकी नाग सुवासी मुह बटुआ सो टूरिया बनी धन शंकर पारो पेट बनो धन को जयपुर की थारी कमरिया तीन तीन बलकार सुतरी है मोतनी आप ध्यान दे जा लहर लहर लहरा चिरैया पुरवैया की मारी रे अब केरा कोसो बनो लौदरो मुदरी भरन करी हैया रे के तिन तिन लोरा खात मही मैं जा बन जाए नागिन कारी रे अब कुशल करे भगवान अब है मोतिन की उमरिया भारी रे अरे चोरी चोरा मेरे पलमा ले चलाओ मेरे तुल्हा सासुल के छुबाए दे पाए मेरी सुनाओ तुम मोती निया बात अरे चोर ये चोरा जो तो कौ लाए चलाएंगे तो रानिया पड़ जाए तेरो भाजुरिया नाम भैया बंदन साय छुट जाएंगे ताओ कोई ना पिया मेरे घर आके नीर तेरे बाबूला को आओ भावरिया साता हम लेंगे डरबाए ताके बाद मैं हम तोय लाए चलाएंगे ताओ मेरी सुनाओ तुम मोती नीनार दानी की हुई गई सुन ले आज हाँ मेरे प्यारे भाई उस प्रकार की बात होते होते शाम का वक्त हुआ और उधर से गुमा सुरदानी के आने का समय हो गया तो गुमा सुरदानी चल करके और आज जब पहुंचता है मरी पर तब तक मोतनी ने क्या काम किया कि अपने वीर महमदा को ऑर्डर दिया कि वीर महमदा मेरा मूड़ काट करके और छीके पे टांग दो मदरा मेरा पलंग पर डाल दो चूंकि मेरे चाचा आ रहे हैं जादूगरनी नार मोतनी और ललिन के दिन जादू को भंडार हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं मेरी सुनो लगाए के ध्यान के
तुमने सुनवाई और जहोनाए जानी अब मोतनी कौन खान की नार पांच पान नौ लाऊ सुपारी जो चबके थूक दे भूमाए तो उमड़े सेत नदी बह निकले और भागे से मुजती अकुलाए और जो लट खोल दे मोतिन जूरा की तो कारे नांग लपेटा खाए और जो कहूं चितय दे धुर दक्षिण कहो तो जोगनी गिरे 360 और बेसर तोड़ पवन में मारे तो ओले गिरन लगे एक साथ और हसली जो फेंक दे ऊपर कहो तो चक्कर गिरे राम को आए कि बारह विद्या सब कोई जान है और बावन पर ही मोतनी नार तो पांच वीर पढ़ के जब मारे हैं राजनल को तो मच्छर बनाए करके भैया मच्छर मसो बना के तो दीवार में चिपकाए दो राजनल को और वीर महामदा को जब ऑर्डर दिया तो वीर महामदा ने मोतनी का सिर काट करके सीधे पे टांग दिया और मदरा पलंग पर पड़ा है तब तक गुमा सुरदानी हाजिर हो गया और दरवाजे पर जब शिला को हटा हुआ देखा तो आगे पहुंचकर और कहने लगा कि आज मालूम पड़ता है कि कुछ गड़बड़ है मढ़ी में क्योंकि मनुष्याइन भी आ रही है और ये शिला भी हटी हुई है दरवाजा खुला हुआ है दरवाजो खुलो और देखो जब गुमा सुरदानी ने तो मन में गयो सना का खाए और गजब हुई गए हैं महलन में आवाज कोई मान सुहाए गौ राम तई जाए के जल्दी से मोतनी को और मूल मदरा में लो मिला है और छड़ी बदल गई है अब मोतनी की तो फौरन जगी मोतनी नार तो चच्चा चच्चा कही के भरत जवाब ए चाचा जी आपने कच्ची नींद मुझको जगा दिया उन्हें लौड़िया रोत तो इतनी खन सोच है आवाज कच्ची नींद कैसे जगाएगा ध्यान दो चाचा सुन लीजियो अरे मेरी सुना लगाए के ध्यान अब कच्ची नींद में तुमने जगाए दो हमारी ध्यान देन की बात में हाँ बेटा कच्ची नींद में तो तुम्हें हमने जगाया है लेकिन आज हमको मानुष से आती है बात बतलाओ क्या कारण है मोतनी कहां लगी चच्चा तुमने बारह बारह कोसल लो चिड़िया मानुष की तो कोई असल ना चिड़िया चुरबनी लो नहीं राखी चार खाए चार लटकाए तुम्हारी दाल में लगो है और ताई से जा महा खाओ तेरी हमारे ढंग कोई मरी में चोर ना है तो गुमासुर क्या कहता है अरे बारह यारे बरसाए का मेरी ढिरिया तो हुई गई मरी मैं मेरी लल्ली मैंने कबहू तुम्हारी मरी बुढ़ारी नाय मौका रे तो आज झाड़ू लाके दियो मेरी धीरिया मढ़ी मैं तो बुढ़ा रहूंगो मेरी सुन ले लल्ली बात मेरे प्यारे भाइयों जब मढ़ी बुढ़ाने वाली बात कही है गुमा सुरदानी ने तो मोतनी कहां लगी है पिताजी बारह वर्ष से आपने मढ़ी नहीं बुढ़ाई आज तुम्हारे अंदर चोर बैठा है मेरे प्यारे भाइयों ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे ज्यादा कौन करे बकवास और मरी बुढ़ारी है दानी ने चोर का तबहू मिलो है ना है चोर इसलिए नहीं मिला कि मोतनी ने क्या काम किया जब तक झाड़ू को ला करके दिया है गुमा सुरदानी को तब तक मोतनी ने उतनी ही देर में पांच वीर पढ़ के मारे राजा नल को भौरा बना के और अपने झूरा में रख लेती है तो आज राजा नल झूरा में बैठे कुल बला उठेंगे और इतने गुमा सुरदानी ने मणि को बुढ़ारा कुछ नहीं मिला तब दानी ने कहा बेटी बारह वर्ष हो गई तेरा सिर नहीं देखा सिर दिखलाओ गुमा सुरदानी से कहा मोतनी ने कि मेरे पिता जाओ शीशा कंघा लेके आओ पल्ले कमरा से जब पल्ले कमरा से शीशा कंघा लेने को जाता है गुमा सुरदानी उतने में राजनल को निकाल के वो चोली में रख लेती है आप देखें जब सिर को देख के भी चोर नहीं मिला तब गुमा सुरदानी कहता है बेटी बहुत दिन हो गए तेरे कपड़ा लत्ता नहीं देखे मैंने कपड़ा लत्ता धोए नहीं लाओ पहले नंबर चोली को धोऊंगा चूंकि दानी बड़ा सगुनिया था उसने सगुन डाला तो चोर है मढ़ी में तब कहा मोतनी ने के कुंवारी कन्या को बबला दोष लगावो और चच्चा मेरे ऐसी तुम्हें मुनासिब ना है और अब तो मैं सयानी हुई गई मेरे बबला मोको शर्म लग रही है चच्चा तुम मेरी चोली उली धोबोगे तुम्हें शर्म ना लग रही है उन्हें लली की बात है तुम्हारी लली होगी और हमारे देखो महतारी बाप के लिए बालक चाव के तो सयानी हुई जाए कोई ऐसी दुखवारी बात ना है और लली तुम दिखाई दे लावा कपड़ा धोए दे तुम्हारे जब ऐसी बात कही कोई बात नहीं आओ पल्ले कमरा से दूसरे कपड़ा ले आओ और चाचा सुनो हमारी बात और जैसे ही गौ है दानी कपड़ा लेने का तैसे मोतनी ने राजा नल को फिर जूड़ा में रख लो आज जब चोर नहीं मिला गुमा सुरदानी को तो आज बहाना करके समुंदर घटी पे एक पत्थर की शिला भसम शिला जिसको कहते हैं वो पड़ी हुई है तो आज मोतनी को वहां ले जाकर के पहुंचा और वहां कसम लेता है आप ध्यान में देखो गंगा की तो परी परी है और मेरी सुन ले लल्ली बात और चलो घर के गंगा नहाया मैं तो नहीं चच्चा हम तो रोजे हैं दौती जौन से धार मन में आओ ताई धार में हंडाए होती समुद्र में उन्हें कतई ना चलो हमारे साथ चलो बेटी तब गुमा सुरदानी बहाना करके परवी का ले जाता है और पत्थर शिला पे मोतनी को खड़ा करता है और कहता है ये बेटी अब तुम कसम खाओ कि तुम्हारे पास मरी में चोर है या नहीं है अगर तू झूठ बोलेगी मोतनी तो भसम हो जाएगी जब ऐसी बात कही तो आज मोतनी किस प्रकार कसम खाती है आप ध्यान दें ऊपर है
है नरपति परमेश्वर नीचे धरनी मैया रे। रुक जा लौड़िया रुक जा। अरे जा तो का कही तूने, ऊपर है मेरे पति पति काची, उन्हें चचा तुम्हें मालूम ना है, तुम्हारी कल्याण के लिए पति और परमेश्वर बात एक है हो देगी, ताके मारे मैं कह रही हूँ पति परमेश्वर कही। अच्छा ऊपर है मेरे पति परमेश्वर नीचे धरनी मैया रे, धरनी के ऊपर गंगा बिराजी, अरे ताके के धरनी के ऊपर ओ मेरे चचा बिराजी गंगा मैया रे। एक बछेड़ा बंधो मढ़ी में और चौथे तुम्हारी धीरिया रे, एते पै मैं झूठ मैं बोलो मैं मार दे गंगा मैया रे, खाई लई ताव की सामा उठाई लई है गंगा, अब मोतिन भैया कैसे चचा सैका भरत जवाब। तूने किस्म खाली है ऐसा कर, अब पत्थर शिला से निकल करके चलो मरी में चलते हैं, उनने कतई ना है चचा, आज आप कॉल करार कर दो कि आज के बाद हम तुमको जिंदा छोड़ के जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, उस गुमा सुरदानी ने कॉल करार कर दिए कि आज के बाद हम तुझको कभी भी मार के नहीं जाएंगे, जिंदा ही मरी में रखेंगे। तब कसम लेने के बाद दोनों प्राणी जब पहुंच जाते हैं तो राजा गुमा सुरदानी जो है वो कहता है कि अब मैं सोऊंगा, तो मरी में जब ही आराम करने के लिए लेटता है और मोतनी को ऑर्डर देता है कि हे बेटी मेरे शरीर को खून दो, तो जब खूनती है शरीर तो राजा नल को मानस बना लेती है, और जब राजा नल को मानस बना लेती है, जब चार पाए लगे तो राजा नल के वजन से आज गुमा सुरदानी दबा जाता है, तो कहने लगो लौड़िया आज बहुत वजन मालूम पड़ते, तो मैं चार पाए कैसे लगा देंगे। उनने बात ऐसी है पिताजी, मेरे वीर महमदा है वो बै ऊपर का नाम तुम्हारे खूनदत फिरते है, वो तुम्हें चार पाए ताई मालूम पर तुमने ऐसे तो ना सारे कहूं बीरे भिल्लड़ बांधे पड़े हुए। उन्हें कतई ना चचा सो कोई बात ना, जैसे पलता लाओ तैसे राजा नल को फिर बने गड़पे डुकाई लाओ। मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार से जब काफी समय बीत गया और जब गुमा सुरदानी लखिया बन को चलने के लिए तैयार होता है, तब आप देखें इधर किस प्रकार मोतनी जो है अपने चाचा से कहती है कि हे चाचा बात सुनो, क्योंकि राजा नल ने ये बात कह दी थी पहले ही कि हे मोतनी आज अपने चाचा से काम पूछ लेना, तो ध्यान दें तो राजा नल के कहने पर आज अपने पिता का काल पूछ रही है। किस प्रकार पूछ रही है, ए चाचा तुमको तो 12 बरस हो गई है मुझको लाए, थोड़ी कमी है, आप मुझको मार के डाल जाते थे, आपसे आप जिंदा छोड़ के जाएंगे, आप अपना काल बतला दीजिए मुझको, अगर तुमको कोई मार देगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। गुमा सुरदानी कहने लगा, हे बेटी आज तक तूने मेरा काल नहीं पूछा, अब क्या कारण है जो तुम मेरा काल पूछ रही है। उन्हें नहीं चाचा आप बतलाओ जरूर, तो देखें आप ज्यादा बर हवा कौन में हवा ज्यादा कौन करे बकवास, और आला ढोला को दिमाग चाहिए जैसे के मठा बढ़ा उनको जल चाहिए मेरे राम। ए मेरे प्यारे भाइयों, अब जो है गुमा सुरदानी आप काल बतलाता है, ध्यान में राजा नल के कहने पर मोतनी ने काल पूछा तो अब गुमा सुरदानी बतला रहा है के सात समुंदर बीच लली एक अखय बरी को पेड़ो रे। काल सुन ले आप दानी का, सात समुंदर बीच लली एक अखय बरी को पेड़ो रे, अरे पात पात पै बिच्छू बड़ैया डाल पे सर पपौनिया रे, आओ साले सात सौ दानी पहरे पै सुन ले मेरी धीरिया रे, ता पेड़े पै एक सुनाओ मेरी मोतिन टंगी पिंजरिया रे, बा पिंजरी के बीच बंद एक सुन ले लली बगुलिया रे, बा बगुली के पेट में मोतिन सुन ले है एक भौरिया रे, बाई भावरी मैं लल्ली काल हमारो बसिरो, अरे तो कोई जग दुनिया मैं मौका मर भैया ना। मोका दुनिया में उन्हें चचा काल तो तुम्हारो सुन लग का तुम्हारो मानने वालों कौन सो तो बताए दे, उन्हें अब तो कोई है ही नहीं मारने वाला, उन्हें ना मेरे चचा बताए दे तो उन्हें चा सुन लो। आओ अजय नगर में एक अजय पाल राजा, अरे ताकी बेटी दुई मंजा संजा होएगी, ब्याहे आवेंगी नरबर धाम। बा उस राजा प्रथम
और रानी मंजा से जो औलाद पैदा होगी उसके हाथ से मेरा काल है, लेकिन राजा प्रथम ने तो मंजावती को मरवा दिया है जल्लादों के हाथ से, अब तो हमको कोई मारने वाला ही नहीं है। लेकिन राजा मेरे को पड़ी बैठे मौत नहीं सुने उन नहीं जाऊ तो हमारे ही अम्मा बप्पा को नाम ले दानी और बीसो बीसे हमारी से जाको काल है उन्हें मोतनी ढील दे। अब देखो बुलाल लागे उन्हें ढील तो दे तो ये सारे को मात डाले। जब ऐसी बात कही राजा मेरे मोतनी खाद गाड़ी जा चुप्पा बैठे रहा बुलचू हम घर मैं चुप्पा बैठे रहा तुम्हें मालूम ना ये चच्चा खंड रहे तुम्हें भैया देखकर ढील ले कतई आओ काल बताए के बगुमा सुर दानी चलो गाओ लखिया बन सोई सुना भैया जी अरे इतमाए मोतिनी नल बल माताओ मानुष बना लाओ तब नाला सिंगा बोला तबानी सोई पट रानी री अरे थोरो नीर मेरी रानी प्याय देओ तानी मगाल हमाए बड़े जोर से प्यास लगी है जी पानी पिला दो और गंगा की धार जो समंदर में बह रही है वहां का पानी पीऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों मोतनी तो पानी लेने के लिए जाती है और इधर राजा नल ने क्या काम करा है वहां तीन कोठरी बनी हुई है। चाबी का गुच्छा उठाया और पहली कोठरी खोल दी तो क्या देखते हैं कि एक तरफ मंधारी बड़ा ही अजगर सांप वो मुंह फैला के सामने वो दौड़ता है। जब दौड़ा तो राजा नल ने कहा हे भैया तुम मुझको क्यों खाने को आए रहे हो। उन्होंने खान को नहीं आए रहे हम तो तुम्हारे पांच छुअन को आए रहे हैं। राजा नल 12 वर्ष हो गई है तुम्हारे ही कारण इस गुमा सुरदानी ने मुझको कैद कर रखा था। ये मेरे भैया आज तुम आए हो तुम्हारे हमने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा और आज मेरी कैद कट गई है। एक काम का ध्यान रखना मैं तो यहां से चला ही जाऊंगा लेकिन इतना ध्यान रहे तुम्हें ए राजा नल आओ जिस दिन बखा तो पड़े मेरे भैया आओ मौका लियाओ दुनिया में जुहार अरे विपत्ति मैं तुम्हारे सनी पी हुई के कष्ट तेरो हम कुछ लेंगे बात कहकर के सड़क तो चला गया। जब दूसरी कुठरिया को खोला है राजा नल ने तो खोपड़ी वहां पर टंगी हुई है मार मार कर जितने भी वहां राजा महाराजा पहुंचे सबको मार के खाया गया है दानी और खोपड़ियों को वहीं पर टांग रखा है। आज वही खोपड़िया देखकर राजा नल को पहले हंसती हैं फिर रोती हैं। राजा नल ने कहा खोपड़ियों तुम मुझको देखकर पहले हंसी फिर रोई इसका मतलब क्या है। तो देखो किस प्रकार वो कहती है कि हंसे तो हम इसलिए कि आज हमारा खानदान बढ़ गया है और रोए हैं इसलिए कि आओ आओ तुम्हारी मैया ने तुमका जन्म हो है तुम्हारी ही तरह हम भी किसी माँ के लाल थे यहाँ पर मोतनी से शादी करने के लिए आए इस गुमा सुरदानी ने मुझको मार के खाए लिया और खोपड़ियों को यहाँ टांग दिया है। रो इसलिए रहे हैं कि ना मालूम तुम किस माँ बाप के लाल हो और गुमा सुरदानी अभी आएगा तुमको मार के खाया जाएगा और हमने खोपड़िया टांग देगा मिला करके इसलिए हम रो रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर के आऊंगा और गुमा सुरदानी का कत्ल कर दूंगा ब्याह करके मोतनी को भी ले जाऊंगा कतई फिक्र ना करो। जब तीसरी कोठरी को खोलता है तो वहां पर श्याम कर्ण नाम का एक जल दरियाई घोड़ा वो हिनहिना करता है और कहता है हे राजा नल 12 वर्ष हो गई है राजा इंद्र के यहां से मुझको चुरा करके ये गुमा सुरदानी इसी वास्ते लाया था कि कभी भी मैं तुम्हारी सवारी न दे सकूं आज तुम आए हो तो इसलिए जल्दी देर ना करो और मेरी पीठ पर सवार हो और पोशाकें पहन लो। कई बादशाही पोशाक पहनी ली जो वहां पर टंगी हुई थी और सप्तधार का तेगा यानी तलवार वो भी उतार ली और घोल पर सवार होकर के और तैयार खड़े होते हैं जैसे ही धौरा के ऊपर वैसे ही क्या देखते हैं कि मोतनी पानी भर करके आ गई और कहने लगी महाराज आपने ये क्या किया आपने कोठरियों को बेकार खोला है। उन्होंने कहा नहीं अब मैं तेरे चाचा का काल लेकर के आऊंगा जहां पर तेरे चाचा ने काल बतलाया है चूंकि तूने मुझको बतला ही दिया है और उस काल को मैं लेकर के आऊंगा। बहुतेरों का मोती ने समझावे आओ चोरी चोरा बलम लाए चली आओ आओ ऐसो ना कोई जगह दुनिया में जो चाचा मेरे को ले आवे काल कहानी मैंने बहुत ही संक्षेप में कही है लेकिन हर बात पूरी है। ध्यान दें आप जब मोतनी ने काल बतलाया था राजा नल को तभी उसको जोश आया है और इसी वास्ते आज घोड़े पर सवार होकर के और जाता है। तो मोतनी ने कहा हे पति महाराज आप जा तो रहे हैं लेकिन जल्दी आना। उन्होंने कहा ठीक है तुम यहीं मेरा इंतजार करो और मैं जाता हूं। कई घोड़ा उड़ाए दो आसमान में अब आ रा 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 सारा रा रा उड़ाता बछेड़ा
देखाओ बछेड़ा आसमान में मार राय, अरे एक पैर में बने बांधी पुरवाई, एक मैं बांध लाओ है पछे आओ आसमान में भैया घोड़ा उड़त है पहुंच गाओ भी कथा बन मैं जाए। सोई सुना भैया जी अरे पिकट बनी के किनारे समुंदर जी के किनारे, देखता है आगे जब चलते चलते पहुंच गया उस अड्डे पर तो आगे समंदर ही समंदर है और वहीं पर बिकट बनी बन बेहद झाड़ी खत्म होती है। तो उसी पेड़ के नीचे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वहां पर नीचे घोड़े को बांध देता है अपने आप सो जाता है। तो क्या देखता है कि हंस और हंसनी का एक जोड़ा वहां रहता है। हंस हंसनी तो चूंगा चरने के लिए गए हैं उस, लेकिन उसके बच्चे वहां पर हैं। आज एक सर्पमंधारी जैसे ही उसके बच्चे को खाने चढ़ता है पेड़ पर तो घोड़ा ही नहलाता है, राजा रंग की आंख खुलती है, राजा रंग ने उस सर्प को मार के अपने सिरहाने ढाल के नीचे रख लिया और फिर सो गए। इतने में शाम का वक्त होता है जब वो हंस और हंसनी लौट कर वापस आते हैं। उन्होंने देखा और आपस में सलाह की कि हे पति महाराज हंस जी, मुझे मालूम पड़ता है कितनी बार हमने आपने बच्चे रखे और हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे यानी किसी पापी हरामजादे ने मार डाले हैं, आज चोर पकड़ गया, ऐसा काम करो मैं बच्चों को चूंगा दूंगी और तुम जाओ एक पत्थर की शिला लेकर आओ इसके ऊपर डाल दो। जब ऐसा कहा हंस तो पत्थर की शिला लेकर के आते हैं, इधर हंसनी है बच्चों को चूंगा देती है, लेकिन बच्चे भगवान से दुआ करते हैं कि हे मालिक मेरी जुबान अगर खुल जाए तो इस परदेशी की जान बच जाएगी, क्योंकि इस परदेशी ने हमको बचाया है और माता पिता की समझ में ये बात नहीं आई है, परदेशी को हमारे पिताजी पत्थर की शिला डालकर मार डालेंगे और इनका दुश्मन तो असली जो है वो सर्प है जो कि इस परदेशी ने ही मारा है। तब ऐसी कृपा हुई गई नारायण की, आओ बच्चन की तो तब जिभ्या खुली गई, आओ तब है बच्चा का हाथ हंसनी सहे, तुम्हा पहले चूंगा मैया जाए खवाए दे बाद के हमें खवैया। सोई मेरी मैयारी अरे जा परदेसी ने जान बचाए दई ओ महतारी, तुम्हा जाए सिरहाने जाके देख ले जी। हंसनी ने देखा जाकर के राजा नल के सिरहाने तो बाकी सर पे एक मरा हुआ पड़ा है जिसके तीन गहने हैं। तब तक हंस जी आएगा तो हंसनी उड़ी और कहा महाराज पत्थर मत डाल देना, यही तो हमारा तुम्हारा एक बच्चों की जान बचाने वाला है, ये परदेसी मारने वाला तो इस सर्प इसके सिरहाने है जो इसने मार के रख लिया है, घोड़ा भी हिनहना रहा था बराबर। तो हंस जी ने उस पत्थर की शिला को तो अलग डाल दिया, जब देखा तो वाकई, तब राजनल की आंख खुलती है, राजनल कहते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चों को ये मारने जा रहा था सर्प, मैंने इसको मार दिया है और अब मैं जा रहा हूं। इधर हंस हंसनी कहते हैं थोरो भोजन तुम जल्दी से कर ले हो। हंसनी दौड़ी और एक पनिहारी का घड़ा जल का भरा हुआ ले आई छीन कर। हंस जी दौड़े एक हलवाई की दुकान से मिठाई का थाल उठा लाए। मेरे प्यारे भाइयों जब राजनल को खिलाते हैं राजनल नहीं खाते हैं, कहते हैं कि जब तक मैं देखिए पुरिया तुम्हारी छुरिया मोकव हुई गई दुधवा भय है रक्त की धार, अरे जब लाओ काल नाय मिले दानी को आओ तब लाओ पानी पियो मैनाय। हंस जी ने कहा ठीक है अगर तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, हम खाए रहे किसम उठाए रहे गंगा आओ हम कहो मार दे भगवती माए। देखिए तुमको हम कॉल करार करते हैं कि हम घूमा सुल्तानी का काल मिला देंगे, तुम दाना पानी करो। तब राजा नल ने थोड़ा सा मीठा खाया पानी पिया और एक शर्त रखी वहां पर हंस और हंसनी ने कि देखो भाई हम तीन उड़ान उड़ेंगे उस पेड़ पर, अखैबर का जो पेड़ है सात समंदर की घाटी में, हम तीन उड़ान भरेंगे, अगर तीन उड़ान में तुमने उस पिंजरिया को तोड़ लिया तब तो भाई तुम्हारी जीत है, फिर हमारी कोई बात नहीं रहेगी। राजा नल ने कहा ठीक तुम तीन उड़ान भरना और उस पिंजरिया के ही पास से निकलना और मैं उतार लूंगा। आप ध्यान में ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावा ज्यादा कौन करे बकवास, और हंस की पीठ पर बैठ गए राजा नल और हंसनी ने ऊपर से छाया कर दिया और घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों हंस पर बैठ करके अब हंस जी ने जो उड़ान भरी है हंसनी छाया करे है, तो देखें अब किस प्रकार बगुलिया वही पिंजरिया को राजा नल जो है घुमा सके काल को लाए। ध्यान दें आप।
अरे हाल बतावे मेरे ओ तब ढुलकिया अरे अररा सररर हंसा उड़ते जाए रे आओ जैसे हंसा उड़त है अंबर में मेरी ध्यान रे देन की बात आओ पहली उड़ान भारी है हंसन उन्हें आओ तब हूँ कह पिंजरिया मिली है नाय अरे दूसरी उड़ान भारी हंसा नय पिंजरिया तब हूँ मिल पाई नाय बोलन लागे ए राजा नल सुन लो अगर तीसरी बार बाकी है मैं एक ही उड़ान उड़ूंगा अगर तुमने अब ना पिंजरिया ले पाई तो हमारी कोई गारंटी नहीं होगी मेरे प्यारे भाइयों तीसरी उड़ान को जब उड़ते हैं हंस लोग तो आते थे क्या होता है अरे तीसरी उड़ान जब भारी है हंसन नहीं आओ नलन है करे हैं कौन से काम जैसे ही हंसा पहुंचे हैं पेड़े ढींग कैसे ही राजा नल सतर्क हुई जाए आओ जैसे ही पहुंचो हंसा है पिंजरी ढींग झपट के पिंजरिया तो हो यार खलबली है दानी नुमर जी काऊ चोर न है पिंजरिया तोड़ लई जी अरे माथो तन की गौ है भूमा सुर को जी मेरो काल आज काऊ ने तोरो जी आओ पीछे साइका तब दानी सब दौड़ी करे काल को लेकर के राजा नल के सहित भाग पड़ते हैं उसी जगह पर जहां पर उनका अड्डा है उसी जगह पहुंचते हैं और इधर पीछे पीछे बिच्छू बर्रैया नाग पौनिया सब पीछे पीछे नल के भाजे अरे इतमय सारे सात सौदानी देउताओ सब पीछे तो दौड़े भैया गुमा सुर संग मै भाजत आए आओ हंसा को पकड़ पाओ कोई नाय जाकर के हंस जी ने क्या काम किया अपने अड्डे पर अपने पेड़ पर जाकर राजनल को छोड़ दिया कहा भाग जाइए राजनल घोड़े की पीठ पर बैठ करके और काल को गुमासुर के काल को लेकर और कहां जाकर के पहुंचते हैं दानीगढ़ में इधर से तमाम दानी सब गुमासुर सहित पहुंच जाते हैं पीछे तब मोटनी ने देखा कहा महाराज एक काम करो मेरा चचा बहुत ही बलवान है आप इसको ऐसे मत करो आ गया तो एकदम से तुमको नष्ट कर देगा इसलिए एक काम करो तुम टांग तोड़ देओ एक बबुला की मेरे पिता का ख्याल मत करें आप और एक टांग तोड़ दीजिए कई टांग तोड़ गई एक राजा न लगे बगुलिया हाथ में है उस बगुलिया में ही प्राण है उस गुमासुर का जो ही बगुलिया की टांग तोड़ी उधर गुमासुर की टांग टूट गई इधर जब दूसरी टांग तोड़ते हैं तो उधर गुमासुर की दूसरी टांग टूट गई फिर भी गुमासुर दानी बराबर बढ़ता लुढ़कता पलटता चला आ रहा है फिर एक बाही तोड़ दी दूसरी भी बाह जब बिल्कुल हाथ पर तोड़ दिए फिर भी लुढ़कता पलटता हुआ दानी अपनी बेटी मोतनी के पास पहुंचा और कहने लगा ये बेटी मैं समझ गया हूं कि आज इसक बुरो जंजाल इसक मैं मर गई दुनियादारी रे अब इसक लाग गो है मौत इनको चच्चा को मुड़ कटाए रही रे ऐसी खसमासी मेरी हिरिया हुई गई लली तुम चच्चा को कटाए रही मुड़ ओ मेरी बिटिया अगर हम मर रहे हैं तो कोई बात नहीं मार तो देगी ही तुम लेकिन मरते समय जब दमाद के मुंह पैर को छुआइए देव तो मोतनी को ने तरस लागे लागो कि हो कोई बात नहीं लागो पांच छुआइए देव लेकिन एक काम करियो चचा दगा मत करियो मेरे संग उन्हें कतई ना ललो दगा ना करें तो जैसे ही गुमा सुरदानी के ढींगे पहुंचे ऐसी फूक मारी गुमा सुरदानी ने कि राजन ऊपर कौड़ी है और बाकी चालाकी जा ही जैसे सारो नीचे गए तैसे ही लीन ले ऐसी चालाकी से गुमा सुरदानी ने ऊपर कौड़ाए दो मेरे प्यारे भाई और राजन जैसे ही नीचे को आते हैं तो आप ध्यान दें कि मोतनी ने देखी अरे चच्चा ने तो मुंह फैलाए दो फौरन मोतनी ने पढ़ के पांच वीर मारे और महंदा को आगे बढ़ा दिया तो राजन को फौरन रोक लो और कान लगी सुनाओ ओ मेरे चाचा मरती समय तुम दगाब करी रहे संग हमारे नाय प्राणी तुम्हारी बचाई थी
कोई मेरे चाचा जी। ए चाचा, बच को तुम वैसे भी नहीं सकते हो, लेकिन तुमने अभी दगा जो कर रहे थे ये अच्छा नहीं कर रहे थे। मोतनी कहां लगी, एक बात है पति महाराज सुन लो, चाचा को तुम्हें हाँ ध्यान दे मेरी तरफ पास। हाँ भैया मजीरा मास्टर, आपका बराबर ठेका लगना चाहिए, काय देगा सिगरेट बाद में। ए भैया, राजा ने उसे मोतनी कहने लगी कि हे पति महाराज, मैं चाचा को आज मरवा रही हूँ तुम्हारे इश्क में, तुमको अपना पति मानकर, लेकिन एक बात का ध्यान रहे आपको। अरे संग मैं दगा मत बलवा करियो, मेरे सजना तुम कह रही समझाए, अरे जो कहूँ दगा बलम तुम नहीं करी दई तो हो जाएगी दुई तो बात। सोई मेरी रानी री, आओ जिंदा रहे हैं तो संग ना छोड़े, ओ मेरी रानी मरी गए तो अंधेरा नहीं। आओ तब है कौल करार जब कर ले, आओ तब है गुमा सुर की भेंट आई की दई। ए भैया, गुमा सुर की जब भेंट आई थी है तो उसकी आत्मा ने क्या बद्दुआ दी है। ए मोतनी, तू मुझको मार रही है, मरते समय उस गुमा सुरदानी ने बद्दुआ दी अपनी बेटी मोतनी को। तुर साथ जलम लो बांझ रहाएगी, संचत को मुख देखेगी नाय, सात जन्म तक तेरे कोई औलाद नहीं होगी। ये वरदान बद्दुआ दी है उसने गुमा सुरदानी ने अपनी बेटी मोतनी को। आओ जब का बद्दुआ सुनी मोतनी ने, आओ तुम तो बलमा जल्दी से मार दे, जो जो मेरे चाचा कह देंगे इस समय वो बात सही होगी, इसलिए हे पति महाराज मेरे चाचा को अब खपनी कर दीजिए आप। तई घेट आई थी दई घूमा सुर की, बबुलिया की जब घेट आई थी तो दानी की घेट खुद ही आई थी। नौ दानी को डारो जान से मार, जान से खत्म कर दिया। तब वहां पर माता माता शारदा और देवी देवता सब इकट्ठे हुए हैं। अब वहां पर जब भामरे पड़ गई, तो भामरे पड़ती हैं तो वहां पर बन्ना बन्नी गाए जाते हैं। आप ध्यान दे, बन्ना बन्नी गाए जाते हैं किस प्रकार से माता और सभी देवी देवता शादी करवाते हैं राजा नल की। हाल बतावे तुम्हें समझावे मेरी ध्यान देने की बात, और बन्नी बन्ना हो तो वहां पर और भैया दानिमगढ़ के निधाम। हाँ अरे घबा रही जाओ मती बन्ना, मैं तो निहारी रहूंगी, घबा रही जाओ मती बन्ना मैं तो, मैं तो निहारी रहूंगी, मैं तो निहारी रहूंगी, घबा रही जाओ मती बन्ना मैं तो निहारी रहूंगी। तेरे कांटे की खटिया दुआरे डालूंगी, तेरी दादी से दो दो जवाब करूंगी, तेरी दादी से दो दो जवाब, दादी ज्यादा बोलेगी गलौआ चीर डालूंगी, अरे उसके लहंगे के टुकड़े हजार करूंगी, खबर जमती नाम और तेरे तेरे जीजा की खटिया दुआरे डालूंगी, तेरे जीजा की खटिया मैं द्वारे डालूंगी, और तेरी जिज्जी से दो दो जवाब करूंगी, और बहना ज्यादा बोलेगी गलौआ चीर डालूंगी, और उसके बाड़ी के टुकड़े हजार करूंगी, मती बन्ना मैं तो नारी रहूंगी, तेरे भैया की खटिया मैं द्वारे डालूंगी, तेरी भाभी से दो दो जवाब करूंगी, भाभी ज्यादा बोलेगी गलौआ चीर डालूंगी, और
उसके ब्लाउज के टुकड़े हजार करूंगी। हे भैया, इस प्रकार वहाँ पर तमाम बन्ना बन्नी सब कुछ हुए, राजानल का विवाह हो गया ना, तो घोड़े पर सवार होकर के आज राजानल और रानी मोटनी जैसे ही तैयार होकर के चलते हैं, तो राजानल कहाँ, आज जहाँ पर के जहाजन पर उसके मामा हैं, वहीं जहाँ पर जहाज रुके हुए हैं शहर अमेरिका के किनारे, आज वहीं पर घोड़ा लेकर के और जब चल देता है तो आप देखें क्या बात होती है। ध्यान दें आप, घोड़ा पे बैठा ले ओ मोतनी को, और राजानल जैसे ही भय तैयार जहाजन पे चलन कहो, और तैसे ही कहन लगे राजानल मोतिन सुनो हमारी बात, और जब का तुमने अपने चचा को मरवा दो तब तुम्हारो विश्वास हम कौ रहो कतही ना। हे मोतनी, जब तुमने अपने सगे पिताजी को मरवा दिया तब तुम मेरे साथ भी दगा कर सकती हो, मैं तुमको अब नहीं ले जाऊंगा चूंकि तुम पापनी हो। इस प्रकार की जब बात कही तब अब मोतनी वहां पर रोती है और कहती है, क्या कहती है, अरे मैंने ना जानी ओ मेरे सजना, दगा मेरे संग मैं कराऊ घेरा, के की धीरिया मो कौ राखी, आओ ससुरे की राखी बाहुरिया नाय, अरे कैसे सिलाहन मैं छाती मैं, ओ बलमा तुम नहीं कर दई रसिया बात, बोला न लागे अरे हम नाओ रानी हंसी करी आए, तो मेरी धनिया मानी गानी बतवार, आओ तुम्हारे अलावा वो तो मेरी धनिया, दुनिया में कोई हम कौ है प्यारो ना, चाहे हम सौ सौ कह रानी ले आवे मगर तुम कौ रखेंगे पत्रानी राम, ज्यादा बढ़ावा किया कौन बढ़ावे, तई घोड़ा बढ़ाई दो राजा नलन, जहाँ पर जहाज हते वे मम्मन के, और राजा नल पहुंचे जहाँ जानू पाए नाय, सब बनिए आए गए। मेरे प्यारे भाइयों, राजानल ने क्या काम किया, जब जहाजन पर पहुंचता है तो मोतनी तो बाहर जहाज पर खड़ी हुई है, राजानल सो जाता है कोठरी में, उधर क्या देखते हैं बनिए, जब आते हैं बनिए में देखा है तो बनी तो सुतरी लौड़िया ले आओ, आए बताओ जाकर हम लिए जहाज पर अखबारी करने का, और जाओ तो सुतर कोई लौड़िया ले आओ, कहूँ राजा की अगर पतो लगे पकड़िए तो सारे बड़ी लेखन हो गए, हाँ जहां से पूछो तो जो कहू ने कहा कि जब राजानल का जगा जो पूछो तो कहा ले, मम्मा तुम्हें मालूम ना जो तुम्हारी है भनेज बहू, हम तो ब्याह करके लाए ब्याह करके, उन्हें सस के तुम ब्याह आठ दिना में कहा ब्याह कर लाए, उन्हें कतई ना मम्मा बात हमारी मान ले हम ब्याह करके लाए, मोतनी से जब पूछी मोतनी कहा लगी राहुल का पिताजी तुम हमारे मैया ससुर और पांच जने, अब देखो हम वाकई ब्याह के आई है भाज भूज के ना आई, अरे तब है एक हाँ तब है बादिना एक मम्मा की, आओ नियत खराब हुई गई सुन ले, आओ तब हे सलाह दे करत है पहुंचाओ, कैसे उजा सारे को समुंदर में फेंक दे, जा रानी को घर के रानी ले बना, भैया इस प्रकार से आपस में
में झगड़ा मचता है, कोई तो कहा सारे हमारे लिए ठीक रहे, हमारे जोड़ बहुत बढ़िया। उन्हें सास को तुम्हारे तीन चार बच्चा आएंगे, तुम कहा करे हमारे लिए दे दो, मैं सब में छोटो सब डोगर कहा लगे सारे हमारी कर दो, तुम्हारी सब भौजाई बन के रहे, सबकी भौजाई हुई है हमें बिहार दो, आई सबको काम निकलते रहे, ऐसी ऐसी बात है कहीं तुम रोटी बनाए खाए वो खाए रोटी बनाए गए, सबकी सेवा करे सब घटिया बढ़िया बिछाए, ऐसी बात जब सलाह करने लगे मोतमी ने सोची मन में जाऊ तो बड़ा गड़बड़ हो, और पति महाराज कुछ मालूम ना है, उन्हें हुए देखी गए मेरे प्यारे भाइयों जब जहाज आगे चल देते हैं दर्शनपुर को वापस, तो आप देखें एक बनिया कहता है एक काम करो बेटे राजनल प्यास लगी है बड़े जोर से थोड़ा पानी भर दो, जैसे ही राजनल पानी भरने को झुकता है कुंडी से नीचे जहाज को वैसे धक्का दे देते हैं, तो राजनल तो समंदर में गिर जाता है, और इधर वो बनिए जो है पांचों को नियत खराब करके मोतनी को पकड़ते हैं और कहते हैं अरे तुम बताओ बन के मेरी रानी अब रहोगी तो चलाओ दक्षिणपुर मैं खाई जाऊं राज, मेरे सुन ले तुम पाचो ससुर बात अरे मेरे बलमा को कहां खोई दो, ओ मेरे चाचा मेरे बलमा को मोस। सब्सक्राइब करें गौतम स्टूडियो हरदोई चैनल को। अरे इन्हीं बलम के राम कारण ओ मेरे चाचा माए नए बबूला मर भाई नौ जी, बार बार पूछती है तो बनिए कहने लगे अरे तुम्हारा पति तो समंदर में गिर गया है और अब नहीं मिल पाएगा, उसकी तो जान खत्म हो गई और तुम हमारे साथ महलों की रानी बनकर रहोगी। तब मोतनी जब नियत खराब देखी तो एकदम काली कंकाली का रूप वहां पर रख लिया, जब डाइन बन गई है और डाइन बना हुआ रूप जब देखा पांचों बनियन ने तो खदिया खड़ी बिस्तरा गोल गोल लागो, तब सबने माफी मांगी कि जा तो कोई देवी है सारे देवी खान डरे मान डरे ताकि अपनी अपनी नियत ठीक कर ले। जब माफी मांगी हाथ को जोड़ लिया है तब मोतनी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा हे पिताजी तुम मेरे मैया ससुर हो पांचो, और एक काम करो मेरे शरीर को हाथ मत लगाना वरना मैं तुमको खा जाऊंगी भस्म कर दूंगी। जब ऐसी बात कही तो पांचों बनियों ने सलाह किया ये हमारे तुम्हारे लायक नहीं है, राजनल तो मर ही गया, हमारा धनेजा भी खत्म हो गया और इस रानी ने अब हमारी रानी भी नहीं बनकर रहेगी, ऐसा काम करो चलो देश नरवर में जो राजा प्रथम है उनके लिए इस रानी को बेच देंगे और इसके बदले में कुछ दौलत ले लेंगे और दौलत लेने के बाद अपना गुजारा करेंगे चलो। कहीं ज्यादा बढ़ावा भैया कहूं बढ़ावा जहाज तो पहुंचे हैं धारा छीनापुर माए और पन्ने सब पहुंचे अपने नगर माए जाए, सब तो पहुंच गए हैं घर अपने है का इधर सब अपने अपने घर पर मिले, लेकिन मंजावती जब पूछती है अपने भाइयों से कि मेरा लाल नहीं आया है तब उन बनियों ने कह दिया कि ए मेरी बहन मंजा अरे तेरी औलाद तो इतनी जलैया औलाद है कि उसने हमारा साथ छोड़ दिया, शहर अमेरिका भी सैर करने चला गया ना मालूम कहां चला गया, वो लौट कर ही नहीं आया, हमने काफी दिन इंतजार किया, ऐसा बहाना बनियों ने किया है मेरे प्यारे भाइयों। तब मंजावती तरसती है रोती है चिल्लाती है हे मेरे भैया चलते समय तो मैंने बार बार तुमसे माफी मांगी थी विनती की थी कि मेरे बेटा को जैसा लिए जाते हो वैसा ही मिलाना, लेकिन तुम नहीं माने मेरे लाल को कहां खो के आए हो, कई करके तसल्ली बा दुखी आ रही गई आओ आओ कैसे करे जे मैं पीर उठते आए मैं जौलाए नाए लला पावंगी आओ तौलाए धीरन ले बंधाई नाए, तो भगवान से डोर लगा के तसल्ली करके बैठ गई। इधर बनियों ने क्या काम किया उस रानी मोतनी को लेकर के राजा प्रथम की कचहरी में पहुंचते हैं, जब दुआ बंदगी की और कहा कि हे बनियों तुम कैसे आए हो, उन्होंने कहा हे महाराज हम रोजगार भाषा कि हम रोजगार करने के लिए गए हैं तो वहां से हमको एक ये सुंदर सी चीज मिली है आप देख लें ये आपके मतलब की है, महलों की रानी बनकर रहेगी हमारे बस की नहीं है चूंकि हम बनिए हैं हम क्या करेंगे ये राज रानी है। जब देखी सूरत रानी मोतिनी की राजा प्रथम गए हैं बौराए ऐसी सकल सूरत कबहू ना देखी आओ जो तुम चाहो इनाम मैं बनिए तो हमारे खजाने से ले जाओ आज,
गया लल्ला यही पहला गायले ना घर की। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इधर राजा प्रथम ने कहा हे बनियों, बदले में इसके जो भी चाहो ले जाओ। खजाना लेकर के, माल धन लेकर के बनिए तो चले गए अपने अपने दर्शनपुर को। इधर मेरे प्यारे भाइयों, राजा प्रथम ने जैसे ही मोतनी का हाथ पकड़ना चाहा, वैसे ही मोतनी ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं, बुजुर्ग हैं। मोतनी तो जानती थी कि हमारे ससुर हैं, क्योंकि वो जादूगरनी थी, उसको सब आइडिया था। लेकिन राजा प्रथम को उस बात का नहीं मालूम था कि मेरी बहू है। अगर राजा से मोतनी कहती भी है तो विश्वास नहीं होता, इसलिए मोतनी ने एक बात कही जो कि राजा नल पहले कह चुके थे कि अय रानी, अगर मेरे और तुम्हारे साथ में कोई दगा हो जाए, हम तुम बिछड़ जाएं, तो यह प्रण कर लेना तुम कि जो भी कोई तुमको नल की कथा सुना दे, दुनिया में जो भी कोई नल की कथा सुना दे, तो समझ लेना वही तुम्हारा पति होगा, बाकी सब नकली होंगे। ऐसी बात पढ़ा दी थी, वही बात आज मोतनी राजा नल की याद करती है और कहती है कि आप मेरे वैसे भी बुजुर्ग हैं और पिता के समान हैं, फिर भी आप अगर मुझको अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं तो जब तक आप मुझको नल की कथा नहीं सुनवाएंगे तब तक मैं तुम्हारी बहन और बेटी के समान हूं, और जिस दिन आप मुझको नल कथा सुनवा देंगे उस दिन मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। जब ये बात कही तो आज देश देश के ब्राह्मणों को निमंत्रण भिजवा दिया गया, तमाम पंडित वहां पर उपस्थित हुए हैं और एक रावटी में मोतनी बैठी हुई है और तमाम अब नल की कथा सुनाते हुए ब्राह्मण लोग सुना रहे हैं, तो कोई भी नल की कथा सुना नहीं पाता है असली। और मोतनी बराबर बैठी हुई है, दरबार लगा हुआ है, काफी दिन बीत गए, नल की कथा आज तक कोई नहीं सुना पाया। इधर तो नल की कथा ब्राह्मण लोग सुना रहे हैं जैसी भी आती है, उधर राजा नल जब समंदर में गिरा तो आप ध्यान दें, जैसे समुद्र में गिरो है जलैया और पहुंचो नागलोक में जाए, तो नागलोक में जब पहुंचो तो पहुंचो एक बगिया में जाए। राजा वासुक के चमन बगीचा में पाताल लोक में पहुंच गया है, नागलोक में जब राजा नल तो क्या देखता है, चमन बाग की बाहर देखे आप, गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुलाबास गुल नार, ये फुलवारी है वहां, गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुलाबास गुल नार, दाऊदी दुपहरिया मुरवा के तुकी, हर फूल हजारन हार सिंगार, लंबी लंबी रऊसा छुटा की रहे हैं केरा, वहीं पाए तारे नारबारिया नहीं डेरा। अरे सुन भैया राजा नल बगिया मैं लेते आज, राजा वासुक की कन्या पचफूला जिसको नगवर्णी कहते हैं, नान कन्या, वो अपनी सहेलियों के साथ में और जब सैर करने के लिए आती है, बाग में घूमने को आती है, तो देखती है जब राजा नल की शक्ल को तो पहचान जाती है कि मालूम पड़ता है। और भैया ये जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ये इन ओरिजिनल कष्टों के लिए, सुंदर कष्टों के लिए, सुंदर ढोला के लिए आप अगर चाहते हैं का सुरतिया देखी इतमय नंग बरनी नय, तब है एक सहेली से बोलन लागी सुन ले नार, हे बहन जब तो का जलैया मोको ऐसो अर लागत हुए, जो कहे राजा नल मेरे बलमा गए हिया प्यार, जाए के तो बहना मेरी जगह दो परदेसी कहो, कौन विदेशी नांग लोक मैं कहो आज है आए। जब राजनल को जगाया तब नांग कन्या ने पूछा हे परदेशी तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो? राजनल ने कहा कि बात ऐसी है, मैं शहर दर्शनपुर का रहने वाला हूं, मां मेरी मंजा है और पिता का नाम मुझको मालूम नहीं है, और मेरा नाम जो है एक राजा नल छत्रधारी है, राशि का नाम है ये
उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं तुम्हारे ही नाम का तो पूजन कर रही थी आज तक, और आज आप आ ही गए हैं, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, चलिए मैं अपने पिता के पास तुमको लिए चलती हूँ और आप मुझसे शादी करेंगे। राजा नल ने सोची जाओ तो बड़ो गड़बड़ हुई जाओ, एक का अम्मा ने जो बात बताई बाबा तो सही हुई है, मगर मोतनी जने कहा उन्हें हुए चलाओ। जहां पर लगी कचहरी है राजा वासुक की और भारी लाग रहे दरबार, और जाय के पहुंच गई है नांग कन्या अपने चचा से बरस जवान, और चाचा चाचा कही कहते रहे और चाचा सुना हमारी बात, और जिनके कारण मैंने पूजा करी है मंदिर में, मंदिर में पूजे सालिग्राम और बारह व्रत में कुमार के रही ही। ये पिताजी आज वही परदेशी यहाँ आपके नाम लोक में आया हुआ है, आप मेरी शादी इसी के साथ में कर दीजिए। तब राजा वासुक ने कहा हे परदेशी तुमको मेरी पुत्री के साथ शादी करना होगी। राजा नल ने कहा कि मैं शादी तो जरूर कर लूंगा, लेकिन एक बात है, ये चाचा सुन लीजिए और चाचा सुनाओ हमारी बात, और हम तो बड़ी मुसीबत के मारे हैं, और मेरे मम्मा जहाजन पर रह गए, आज हम धोखे में गिर पड़े समुद्र में, और इसलिए तुम्हारे पास आ गए, मुझे मालूम नहीं मेरी माँ बिलखती कहाँ होगी और मेरे मामा ना मालूम कहाँ होंगे। ऐसी बात कही लेकिन असलियत को नहीं बतलाया राजा नल ने। तब आज 3.5 भामरे डाली है वहां पर, और 3.5 भामरे केवल डाल करके और रुकवाए दी है भामरे, और कहा हे पिताजी 3.5 भामरे जब मैं कभी दोबारा वापस आऊंगा तब डालूंगा आपकी बेटी से। 3.5 भामरे डालकर जीव ही राजा नल चलता है तो राजा वासुक ने उसको सोने की मणि दी है जिससे जल के अंदर रास्ता दिखलाई पड़ता है, और वहां पर दो आइटम और दिए हैं, एक सिप्पी ऐसी दी है कि जिसको घिसके लगा लेने से आदमी बूढ़ा हो जाता है, और एक सलाई ऐसी दी है उन्होंने भी दोबारा अगर लगा लो आंख में तो फिर जवानी आ जाती है। ये 3 आइटम ऐसे आज राजा वासुक के यहां से नांग लोक से लेकर के और राजा नल कौर करार करके चल दिए हैं। तो जैसे ही चले हैं तो ऊपर आए हैं जल के, जब जल के ऊपर आए हैं तो क्या देखते हैं कि दर्शनपुर में पहुंच चुके हैं। जल ही जल जब दर्शनपुर के किनारे आए तो से जल में से निकले तो अपना 80 वर्ष के बुढ़े बन गए, सिप्पी को लगाया, चूंकि राजा वासुक का ये वरदान था, 80 वर्ष के दुखड़ा बन गए और दाढ़ी पेट पर लटक गई आज, और सुपिदा सुपिदा दाढ़ी लटकते है तो ढोकर बन गए, और मूर डुग डग 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 डौरू ऐसे हिलन लागो। तो पहले पहुंचे अपनी मैया के ढिल जाए, और जिस मैया के कारण मैं मेरी माँ ने इतनी इतनी मुसीबत उठाई है, आज उस माँ को मैं पहले जा करके देखूं। और इधर जिस दिन से राजा नल को बनियों ने समंदर में ढकेला है उसी दिन से मंझा की कदर उठाई दी, एक मड़ैया में बिचारी पड़ी रहती है। जैसे ही जाके पहुंच गए राजा नल 80 वर्ष के भेष में, और मंझा मैया के पहुंचे पास, तभी माता जी कह के टेरन लागे, वो माता जी सुनो हमारी बात, और काहे कहो तो मैया मेरी तुम रोए रही हो, और माता ने मो कहो तो बताए देवहार में, बेटा रोए मैं इसलिए रही हूं कि मेरा लाल राजा नल बनियों के साथ रोजगार करने को गया था, वापस नहीं आया, और तो सभी लौट आए, अम्मा की बात है तुम रोती, अरे तुम्हारे लड़का को हमने देखो काशीपुरी में, कई काशीपुरी में हमने देखा तुम्हारे बच्चे को, वो पढ़ने गया है, वो हमारे साथ पढ़ रहा था और उसने 8 दिन का वादा कर दिया है, मां तुम घबराओ मत, हम पंडित हैं काशीपुरी के और हमारे साथ में ही वो लड़का पढ़ता है तुम्हारा बेटा राजा नल, और हम तुम्हारे लिए 8 दिन के बाद तुम्हारे बेटे से मिला देंगे। जब इतनी बात कही तो मंझा को तसल्ली हुई गई और वहां से फौरन ही चल देता है। तब उनने एक बात और कही, कई एक तो रानी बनिए ले आए और दो कर सुनो हमारी बात, अब ना मालूम बा रानी जने कौन लाओ सो राजा प्रथम को दही गहाय, एक रानी भी बनिए लाए थे वो राजा प्रथम के यहां पहुंचाए दी गई है, ये डोकर तुम इतने बड़े पंडित हो तो ऐसे काम को नहीं करो, हुआ चले जाओ, हुआ नल की कथा सुनाई जाती ना जानी जाता नहीं हुआ तुम्हें को मिल जाए, डोकर तुम काशीपुरी के पंडित चल के आए, विद्वान मालूम पर तुम्हें कथा सुनाया हो। राजा नल कहा अम्मा चिंता मत करो, हम तो खुद ही जात कथा सुनाओ, तुम घबराओ मत, महकारी बात ऐसी है 8 दिन के बाद तुम्हारा बेटा तुमको मिल जाएगा। जब ऐसी बात कही तो आप देखें कि अपनी मां के पैर छुके राजा नल 80 वर्ष के भेष में और कहा आज नरवर में पहुंचे हैं, जब नरवर में पहुंचे तो लो हुई गई सांझ, जब सांझ हुई गई तो एक भुर्जी भुर्जी नींद दूरी तो चौधरी चौधनी, तो भैया हुआ जा पहुंच जाते हैं तो देखो क्या होता है। हाँ मनसाराम चौधरी यानी भुर्जी के यहाँ पर जब भार पर बैठ गए राजा नल जाए और खोपड़ी हिलाते हैं भैया, और कैसे चौधरी से रहे बतलाए, वो तो चौधरी तुम्हें हाल बता मैं, मेरी सुना लगाई के ध्यान, थोड़ो चबे ना हमको खवाए देव, तो नहीं ऐसे आए
अब बाहर झोंको ना चबेना तुम्हें पहले खवाए मैं उन्हें हमें चबेना खवाई तुम्हारा बड़ो फायदो हो जाए उन्हें का फायदो हो जाए लाभो कल चुला जैसे कल चुला आगे बढ़ाई दो राजा नन्ने बा में सोने मन छुआई दू सोने को ही आओ जब सोने को ही आओ तब तो चौधरी कहां लगे अरे चबेना कौन का दो चौधरी जल्दी लाओ सतुआ सतुआ ला निकाल के अब तो खातिर होन लगी डो कर की और राजा नल्लाई करे कौन से काम और झपट के वो सोने वाली मणि छुआई गई कढ़ैया में तो कढ़ैया सोने की हुई जाए और तब है दौड़ के तो गई दे है चौधनी और जेते बर्तन भरवा है सब लाइक धरदे के ओ ने डो कर जाओ मैं छुआई दे हाँ कि डोकर नहीं जाओ मैं छुआई दे जे हमारे सब सोने को ही जाए पूरो घर चौधरी और चौधनी सोने को बनवाए लो जब सोने को बनवाए लो नहीं बनवाए ले एक का ध्यान रखियो और ज्यादा तो बढ़ावा मेरे भैया कौन बढ़ावे कहो बुरा रो तो राजा नल पहुंचे है कचहरी में जाए है कचहरी जहां पर राजा तीर्थम की देश तो देश के पंडा मेरे बैठे हैं हुआ पे सब तो कथा नाला की है सुना मैं कोई नल कथा हो मेरे भैया सुनाओत कतई ना पंडित डोकर जाए करके पहुंचे जब राजा नल तब देखो का तमाम हुआ पंडित बैठे सब कोई नल की कथा सुना दे तब लोग जब द्वार पहुंचे कान लगे भैया एक काम करो चपरासी से कही हम नल की कथा सुनाए जब हालत देखी चपरासी कान लगो हे डोकर आज सास दे तुम आए सुना देश देश गई यहाँ पंडित आई है किसान तो सुनाए ना पाई तो तुम आए सुना उनको यहाँ नल कथा चल भाज जाइए हमसे जब वो चपरासी नाय घुसन दे तो बड़ी खुशामद करके राजा नल ने कही भैया भैया जगह हमें जान दे मैं भीतर तो पहुंच जान दे जैसे भीतर जाए पहुंची है कोई पंडित आ गई नाय बढ़न दे उनकी कोई सुनता ही ना है अब तो तेरी चिल्ला जी कथा हम सुनाई है हम जानते कथा हमें कही ले कोई पंडित कहा जे साधु ने सुनवाई है आई बताओ हम ऐसे थे मोटे पंडित बैठे तिलने लगाए सुनाई पाई तो जे सुनाई है जिनकी खुपाली हिल से डगड़े डाउरू सी तौले का भना कपर गई कि तमय राजा फिर थमके अरे जहो तव का पंडा जब कह चल के कोई आओ अरे तो भैया जाऊ के सुन ले बोल दुई चार भाइयों जब राजा प्रथम ने ऑर्डर लगवा दिया हाँ भाई डोकर अगर तुमको निजी कथा मालूम है तो सुनाओ ए मेरे प्यारे भाइयों जब बातें सुनी तो बोली को लेकिन पहचाने मोतनी कान मनक पड़ी उन्हें जब तक डुकरा है और कहा नल की कथा एक का बोली तो नेक नेक इसी मिलती रहेगी ना जानी जाए कहूं बेरी हो तब ने कहा अकेला बढ़ के बैठ रही मोतनी मोतनी अकेला बढ़ के बैठ रही नहीं डोकर के दी गए उन्हें डोकर का कथा कहे उन्हें अरे कथाई तुम चिंता का है कत्ती मोतनी अब सुनाओ कहीं और चौकी मोतनी जब तक डोकर हमारो ना हुआ जानत हाँ अब मोतनी नेक नेक कुछ चोला हरो ही आओ तो राजा नल ने अब सुना उनको लगा लगाओ कहीं सुना जितने देश देश के राजा महाराजा यहाँ पर बैठे हैं सब लोग सुन लें और ए राजा प्रथम आप एक काम करें आपकी जितनी महलों में रानी है आप सबको बुलवा लीजिए आपके शहरपना का कोई भी बच्चा बच्चा नहीं बाकी रहना चाहिए सब कचहरी में आ जाए और तब मैं कथा को सुनाऊंगा लगवाए दो बुलवा राजा प्रथम ने और पूरी प्रजा शहर की बैठ गई चौक में आज और तभी ऊंचे से आसन पर राजा नल बैठ गए खोपड़ी कहिला मैं आज और तभी नल की कथा शुरू करत है और मेरी सुन ले राजन तुम बात तो नल की कथा शुरू करते हैं हाँ मेरे प्यारे भाइयों अब नल की कथा यहीं पर वो सुनाते हैं और कहते हैं देखिए अजय नगर में एक राजा अजयपाल थे अजय नगर में एक राजा अजयपाल थे उनकी मंजा संजा दो बेटी थी जहाई देश नरवर में आई और राजा प्रथम ने बिना किसी खता कसूर के रानी मंजा को वन में भिजवा दिया वन में राजा नल का जन्म हुआ ए भैया जल्लादों ने उसको जिंदा वहां पर छोड़ दिया राजा ने तो मरवाने का आर्डर दिया लेकिन जल्लादों ने जिंदा छोड़ दिया उस मंजावती के कोख से जब राजा नल का जन्म हुआ तो राजा नल और मंजावती का दर्शनपुर में प्रतिपाल हुआ वहां से बनिए लोग जो हैं वो शहर अमरीका रोजगार करने को ले गए राजा नल को राजा नल ने वहां से जाकर दानीगढ़ में मोतनी से विवाह किया और उसके बाद जब
वापस आया है जहाजों पर, रानी को देख करके बनियों की नियत खराब हो गई, राजा को समंदर, राजामल को समंदर में ढकेल दिया और मोतनी को अपनाना चाहा, लेकिन उसने जब डाइन का रूप दिखलाया तो बनियों ने डर की वजह से राजा प्रथम के यहां पर उस रानी मोतनी को पहुंचा दिया और जीव ही हाथ पकड़ना चाहा। मोतनी ने कहा कि आप नल की कथा मुझको सुनवाएं तब मैं आपकी रानी बनूंगी, वरना आपकी बहन बेटी बन के रहूंगी। इस प्रकार की बात को जब कहा तो आज राजा प्रथम ने ऑर्डर लगवाया, देश देश के पंडित आए, नल की कथा किसी ने नहीं सुनाई। और इधर राजा नल जब समंदर में पहुंचे, जब राजा नल समंदर के अंदर पहुंचते हैं तो नागलोक में पहुंच जाते हैं और नागलोक में राजा बासुक की कन्या नाग कन्या से 3.5 भामरे डालकर जब वापस आते हैं तो आप ध्यान दें कि वहां से सिप्पी सराई और एक मणि लेकर के आते हैं जिसको लगाने से कि 80 वर्ष का बुड्ढा बन जाता है और वही बुड्ढा बनकर के आज नल की कथा को सुनाने के लिए आपकी कचहरी में हाजिर है। ए भैया, मैंने ये पूरी कहानी जितना ढोला मैंने गाया है 5 कष्टों में, उतना ही पूरी नल की कथा मैंने आपको संक्षिप्त रूप से सुना दी। आप ध्यान दें, जब नल की कथा सुनाने लगे तब राजा प्रथम ने कहा कि हे धोकर जा तो बता दो वो राजा नल अब कहाँ है। आपने ये तो हमारी ही कहानी है, हमारे ही रानी थी मंजा, और मैंने ही उसको जल्ला दो घास सौंपा था और उन्होंने ही जिंदा छोड़ दिया होगा। तब राजा प्रथम रोन लागे और दो कर सुनाओ हमारी बात, हमें बहुत जलैया ले रोई लड़का गए और जाकर मेरी बहु अर लागत आज, ये तो मेरी बहू है और खामखा बनियों ने मुझको धोखा दिया है। अरे सोई मेरे डोकर जी, मौका मिला है देव तुम मेरे लड़का सै, मेरे लड़का सै, मेरी मंझा रानी सै मिलवाए देव जी। अब बताओ कहाँ मेरी रानी मंझा है, कि मेरी मंझा रानी अब कहाँ है ये भी आप बतला दो, और ये बतला दो मेरा लाल अब कहाँ है। और राजा नल से पूछा, राजा नल कहने लगे, हे राजन तुमने बड़े ही गुनाह किए हैं, अरे तुम्हारी तो दोनों ही उनकी फूटी गई, ताही से तुम्हें कछु दिखाए रहो ना, तुम्हारोई लड़का जब सनम का बही दो, राजा नल कथा रहे सुनाए। ओए मेरे बेटा जी, राजा प्रथम ने समझ लिया कि वाकई मेरा बेटा यही है और यही बुड्ढा है, इसी ने सिप्पी सराई लगाई है और 80 वर्ष का बुड्ढा बना हुआ है। तब माफी मांगी है उन्होंने, गलती की माफी मेरे लल्ला मेरी कर दिया जी, लल्ला नम नम पाए तेरे लागी रहे जी। हे मेरे बेटा, जब माफी मांग लिया राजा प्रथम ने तब राजा नल ने अपनी वही सलाई को लगा लिया और 12 वर्ष के लड़के फिर बन गए हैं। जब फिर बन गए तब राजा प्रथम ने देखा और सभी ने देखा तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, तब राजा नल ने कहा, ठीक है पिताजी, आपने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, आपने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है जो मेरी माँ को इस हालत में जंगल में निकलवाया है और जल्लादों के हाथ में सौंप दिया था। कोई बात नहीं, एक तो अपराध आपने वो किया, दूसरा अपराध ये किया कि मेरी रानी मोतनी जो कि आपकी बहू है, पुत बहू, इसके अभी आपने हाथ पकड़ लिया है, इस पर भी आपको पाप लगा है। ए भैया, इस पर भी आपको पाप लगा है। अब एक काम करें आप, कि अब हम तो आपसे मिल गए लेकिन माँ नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, माँ कहाँ है बताओ। उन्होंने कहा, पिताजी माँ तो दर्शनपुर में है, रो रही है, मुसीबत उठा रही है, आज भी जिंदा है। राजा प्रथम कहने लगे, बेटा मेरी गलती की माफी कर दो और मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझको अपनी माँ से मिलवा दो। तब आज राजा ने कहा, ठीक है पिताजी, माँ तो मिल जाएगी लेकिन आप उनको मना के लाए, मना के लाए। ए मेरे प्यारे भाइयों, नल की कथा का ढोला यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि अब मंझा का मनउआ जो होगा, राजा प्रथम जो है मंझावती को मनाए करके और लाते हैं। जब मंझा कदम रखती है तो ये कौल कर देती है कि जितनी भी रानी मेरी बहन के सहित हैं नरवर में, उनको आप मरवा दीजिए, तब मैं आऊंगी। राजा प्रथम ने करे कौन से काम, आओ रानी मंझा के कही दे सै, आओ सऊ और रानी जिंदा गई है गड़वाए, शिकारी कुत्ता ऊपर से छुड़वाए गए,
नोची नोची के जिने गए सब खाए गंगाधर पंडित को मरवाए दयो। गंगाधर पंडित के लिए भी फांसी पे चढ़वा दिया और कल्लू जल्लाद के लिए आधा राजपाट दिलवा दिया। तब मंजावती वहां पर आई है। मेरे प्यारे भाइयों, आज राजा नल और मंजावती माँ बेटे दोनों राजा प्रथम बहुमोतनी सभी लोग वहां पर हंसी खुशी से सब मिले हैं। नल की कथा और नल का विवाह और मंजा का वनवास, ये तीन कहानी मैंने आपको पांच कष्टों में सुनाई है।